बाल्टी बन चुका है पूरा, सब इतना बनाया है, देखिए इतना सारा है। तो ऐसा होता है मड़ुआ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आप लोग का स्वागत है एक और मेरे नए वीडियो में। नमस्कार दोस्तों। तो देखिए, हम और प्रतिमा आज बैठे हैं घर पे, और इस टाइम तो समय काफ़ी ज़्यादा हो गया है, दोपहर के 1 बज गए हैं। तबीयत खराब होने के कारण सुबह वीडियो नहीं बन पा रहा है। तो अभी हम और प्रतिमा जाएंगे खेत, और वहाँ से चना का साग लाएंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि मेरे खेतों में चना का साग हो चुका है। तो उसको दिखाते हैं कैसे हम लोग ले आते हैं, कैसे चना का साग हम लोग निकालते हैं खेत से। तो बनाएंगे भी उसको लाकर घर पे, दिखाएंगे आपको कैसे बनाते हैं। तो आज चना का साग बनाओगे, और क्या नाम है उसका, क्या नाम है उसका, मड़ुआ की रोटी। मड़ुआ की रोटी बनाएंगे, चने का साग। तो आज हमारे घर बनेगा चने का साग और मड़ुआ की रोटी, तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो पहले चलते हैं कुछ टाइम बाद खेत। अभी परी गई है स्कूल, अभी स्कूल से नहीं आई है, आएगी 2:30 बजे। तो इसके आने से पहले हम लोग चलते हैं खेत, चना का जो साग है उसको ले आते हैं, उसको धो के बना के अच्छे से काट लेते हैं। तो देखिए, अभी हम लोग चल दिए हैं खेत, चना का साग कूटने चल रहा है। और प्रतिमा अपना वो क्या ली है, गमछा वमछा ले लिया, गमछा लिए, इसी में खोद कर रखेंगे। तो देखिए, और अपना मोबाइल भी ले लिए हैं गमछा। तो ठीक है, चलिए दिखाते हैं, चल रहे हैं खेत। और ये भी दिखाएंगे कि हमारे यहाँ चना का साग कैसे बनता है। खेत हम लोग का थोड़ा दूर पड़ा है ना, धूप भी लग रहा है, अब ठंडी का मौसम है, धूप अच्छा लगता है इस समय का। अच्छा लगता है। आधा दूर हम लोग आ चुके हैं, आधा दूर अभी जाना है। तो देखिए, हम आ गए हैं खेत में, और हमारा उधर चना लगा है। तो यहाँ सब लोग अपने में से चना निकालते हैं, हमारे यहाँ बोलते हैं चना का साग खोटना। चप्पल निकाल देते हैं ना। चप्पल निकाल दो। अब देखिए, इधर आओ, इधर अच्छा है, इधर अच्छा है, इधर अच्छा है, हाँ। तो ये देखिए, अब प्रतिमा चना का साग खोटेगी। ऐसे नमक से भी खाने में बहुत अच्छा लगता है इसको। तो ये देखिए, अरे ये देखिए मेरा चने का पेड़। तो बहुत जल्दी जल्दी प्रतिमा खोट रही है चना। ज्यादा जल्दी जल्दी हम नहीं खोट रहे हैं, धीरे धीरे खोटाता है। मुझसे तो उखड़ जाता है खेत में से ही। तो अभी देखिए, हम लोग इतना सा साग उसमें से निकाल लिए हैं खेत में से, तो अभी और खोट रहे हैं। इधर देखिए पेड़ है बढ़िया, तो प्रतिमा थोड़ा जल्दी जल्दी खोट रही है। तो अभी हम लोग निकाल के जल्दी चलते हैं घर। तो इधर देखिए इतना हो गया है नीचे, चलो उठा लो। तो अब चलते हैं घर, और अभी परी भी आने वाली होगी, अब चलो और रहने दो। तो इसको कच्चा भी खाने में बहुत अच्छा लगता है, और नमक मिर्च के साथ और अच्छा लगता है, बहुत स्वादिष्ट है। ये चने का साग हम खोट कर चल रहे हैं घर, घर चलते हैं। हम नहीं खोटे हैं, झूठ बोलते हैं, बस कहे कि खोट रहे हैं, खोटे भी नहीं, हम अकेले नहीं, थोड़ा सा हम भी खोटे हैं और खा गए हैं। तो ठीक है, तो खा गए हैं थोड़ा सा। मेरी 5-6 दिन से तबीयत खराब है, मैं ढेर सारी दवाइयाँ खा रहा हूँ इस समय। देखिए, पर ये भी अपने हाथ में ली है। तो बाबू,
डालो सब डालो रेड कलर। बहुत अच्छा लगा। तो देखिए मैं इधर से दिखाता हूँ, कोई मेरे मुंह में दवा डाला है तो कोई मेरे मुझे पानी पिलाया है, तो थोड़ा सा से मेरे श्रीमती जी का मुंह फूला हुआ है, तो ठीक है। हाँ, लेकिन झगड़ा हो गया है। देखिए चना का साग काटने लगे, काट करके चलेंगे आज चना का साग बनाएंगे। आपको बताई ही है, दिखाए हैं कि कैसे खोटे हैं हम लोग। देखिए ऐसे काटते हैं पेंसिल से, उसे पेंसिल चोखा नहीं है मेरा, इसीलिए थोड़ा रियाज लग रहा है काटने में। देखिए परी को प्रतिमा पढ़ा भी रही है और अपना खाना भी बना रही है, अभी साग बन रहा है। तो ठीक है, जो चना का साग है वो बन के हो गया है रेडी। ये देखिए ऐसा है साग, काफ़ी मस्त लग रहा है, हरा हरा। अभी ये देखिए मड़ुआ का आटा है, इसका जो कलर है दिन में आपको अच्छा से लगता समझ में आता, तो हल्का सा ब्राउन है, भूरा कलर का है इसका आटा। तो चलते हैं मड़ुआ की लिट्टी और साग बनाते हैं। तो इसको मत चालू ना, इसे बनाओ। इधर देखिए टमाटर का वो बनेगा चोखा, केवल टमाटर का अच्छा लगता है। और इधर देखिए परी, धनिया टमाटर। तो देखिए परी भी अपना लिख रही है, होमवर्क कर रही है। और जब तक ये बन रहा है साग, थोड़ा सा और बस 5 मिनट में उतार देंगे, तब तक हम आटा को गूंथ लेते हैं। हम अपने जीवन में पहली बार इसका जो बनाने चल रहे हैं मड़ुआ के आटा का, तो देखते हैं बनाकर कैसा मेरा बनता है लिट्टी। जो आटा है इसका रंग देखिए काला आया है, तो मड़ुआ की रोटी देखते हैं किस कलर क्या की है। और इधर देखिए प्रतिमा, हाथों से लेकर देखिए हाथ पर ऐसे बन, तो देखिए बना रहे हैं। ठीक है, देखिए प्रतिमा तावा पर इस तरह से चिमटे से धीरे धीरे करके इसको पलट देंगे, क्योंकि टूटेगा नहीं इस तरह से, इसीलिए कर रहे हैं। ये देखिए इसकी रोटी भी लग रहा है काली ही आएगी, भूरा। तो ये देखिए आज मड़ुआ की लिट्टी बन रही है, मम्मी हाँ वो गला बढ़िया, और इस कलर से इस तरह से बना है एकदम काला काला, और इसको खाएंगे तो फिर बताएंगे कि मड़ुआ की लिट्टी कैसी होती है। मेरा बाटी बन चुका है पूरा, सब इतना बनाया है, देखिए इतना सारा है। तो ऐसा होता है मड़ुआ की लिट्टी, तो आज खाने में मजा आ जाएगा, फिर दिखाते हैं कि कैसे खाते हैं इसको हम। चावल साग और चटनी और मड़ुआ की रोटी, तो आज खाने में आने वाला है मज़ा, तो इसको खाते हैं तो फिर बताते हैं कि इसका टेस्ट कैसा था। रोटी और साग, मस्त लग रहा है। इधर परी ली है चावल और साग। यार रियली में मड़ुआ की रोटी और ये जो साग है ना, काफी लाजवाब है, आप भी अपने घर पे बना के जरूर खाइएगा। तो मैं देखिए देखो टेस्ट करो, टेस्ट बताओ कैसा है, कि मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ। मतलब काफी मस्त है मड़ुआ की रोटी, और मतलब हम लोगों का आज बनाया हुआ, मतलब पहली बार आज खा रहे हैं हम लोग मड़ुआ की रोटी और साग।
चने का साग, तो काफी लाजवाब रहा। और आप लोग भी अपने यहाँ बना के खाइएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा इसका टेस्ट कैसा रहा। तो ठीक है, अच्छा लग रहा है, मस्त है। तो गाइस अभी खाना वाना हो चुका है और रात का बज चुका है 8। और इधर देखिए आज का खाना काफी लाजवाब था, मतलब हमारे लिए तो पकवान के समान था। परी इधर दूध पी रही है और परी भी देखिए दूध पी रही है। तो ठीक है गाइज, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, और मेरा वीडियो आपने पूरा देखा इसके लिए आप सबको दिल से धन्यवाद। और फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।